पे जान आ गई थी यहाँ पे। सो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। भाई मैं हूँ आपका दोस्त विनीत और आप देख रहे हैं भाई विनीत चौहान ब्लॉग्स। और भाई आज का ब्लॉग जो है गाइस बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है। भाई क्यों खास रहने वाला है कि भाई अपने कुछ भाई सब्सक्राइबर भाई लोगों की भाई डिमांड आई थी कि भाई आप ऋतु के साथ भाई प्रैंक करो। भाई मैं सोच रहा था यार क्या प्रैंक करूं, लेकिन वो भी आप लोगों ने सजेस्ट किया था कि भाई आप ना एक्सेंट प्रैंक करो, क्योंकि भाई अभी जैसे कि आपने भाई देखा कि अभी रिसेंटली ऋतु आई है गांव से, तो भाई मैं सोच ही रहा था कि भाई एक आध बार मिलने के बाद उससे प्रैंक तो एक बनता है यार। बहुत दिनों हम लोगों ने प्रैंक नहीं किया भाई, आप लोगों को पता है भाई कितने खराब आते हैं, तो प्रैंक वगैरह करते रहते हैं। तो स्टिल भाई आप लोगों की डिमांड में भाई आपका भाई आज जा रहा भाई ऋतु के साथ प्रैंक करने। भाई सीन कुछ ऐसा गाइस, भाई विपिन से करवाएंगे भाई गाइस अपना मेकअप वगैरह प्रॉपरली करेंगे भाई विपिन से। विपिन अपना मेकअप वगैरह कर देगा भाई बढ़िया तरीके से, मतलब प्रॉपर लगना चाहिए यार। हाँ कि आज पट्टी उट्टी बांध रखी है भाई, मैं अगर डायरेक्ट उसको कॉल करूंगा तो भाई वो समझ जाएगी है ना, तो अपना प्रैंक जो है वो बस्टेड ना हो, इसीलिए भाई विपिन से कॉल कराएंगे जो कि ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा भाई इसे, और भाई मजा ही आ जाने वाला है। हाँ भाई वो बात अलग है, इसकी बाद में हमें गाली पड़नी ही पड़नी है, ठीक है, तो बाद में भाई तो गुस्सा में झेलना पड़ेगा क्योंकि नाराज हो जाती है बहुत भयंकर तरीके से वो। बट स्टिल यार आप लोगों के लिए कुछ भी, आपको पता तो है यार। तो भाई अभी चलते हैं फटाफट से, और यार ये चेक करो अभी घर से निकले और भाई ये पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ यार गाइस कोई तेल के कुएं कुएं मिल जाए यार, मजे ही मजे, राइड पर राइड होगी भाई मजे ही मजे, पता नहीं जीवन में ऐसा होता क्यों नहीं है। सो लेट्स गो गाइस, अभी चलते हैं फटाफट से तेल डलवाते हैं बाइक में अपनी, और उसके बाद भाई अपनी राइड जो है वो कंटिन्यू करते हैं आगे। और भाई लोग आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार कि ना मुझे भाई अपनी FZ का कोई नाम बढ़िया सजेस्ट करो। मैं वैसे तो भाई FZ बुलाता हूँ, तो भाई ये भी बताना कि FZ नाम कैसा है इसका। मैं तो इसको FZ बुलाता हूँ वैसे, बट अगर आप कोई अच्छा नाम सजेस्ट करोगे तो भाई वो रख लेंगे इसका नाम। और चलो जी गाइस आ गए हम पेट्रोल पंप पर। बस भाई अब चलो कहीं पे राइड पे, कहाँ चलना है देख रहे हो। सो भाई लोग टैंक हो गया फुल और भाई टेंशन हो गई है खत्म। अब भाई आपका भाई गाड़ी भगा सकता है, आराम से चला सकता है भाई। भाई लोग ये वाला टर्न मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि भाई यहाँ जो लीन कर रहे हैं मजा आता है ना भाई, वो फील ही अलग आता है भाई। और ऊपर से भाई ये व्यू एकदम खुला खुला रोड है, बहुत मस्त लगता है मतलब। A few moments later. So guys, finally भाई आ गए हम अपने दोस्त के फ्लैट पे, और भाई यहाँ पर भाई करने वाले हैं हम ऋतु के ऊपर प्रैंक। भाई गेट खोलो जल्दी, कौन है। सो गाइस ये हमारे दोस्त राहुल का फ्लैट है, ये देखो जाने पहचाने लोग मिल रहे हैं, देखो जाने पहचाने लोग, जाने पहचाने लोग मिल रहे हैं, देख रहे हो भाई। पहले तो ये हेलमेट रख दूं मैं, घर किसी और का है, गेट हम खोल रहे हैं। चलो मिलवाता हूँ गाइस मैं आपको इससे, वो कैमरे में नहीं आ रहा। अरे यार मैं भूल गया शायद कौन सा। अरे गेट तो खोल भाई, अरे गेट तो खोलवा। अरे भाई बाथरूम में घुसा पड़ा है। अरे यार, अरे आ जा यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई, देख रहे हो ऐसे ऐसे दोस्त हमारे शर्माते हैं भाई, ये थोड़ा कैमरा कॉन्शियस है। इधर आइयो, खोल ही दे दे, खोल ले। कोई कोई नहीं चल, नहीं ले रहे भाई तेरे को, नहीं ले रहे चल, ठीक है कोई नहीं आ जाओ। सो गाइस विपिन को तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है, मैं तो मशहूर हूँ इससे ज्यादा भाई। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो भाई। ये करेगा मेकअप अपना फटाफट से, भाई मेकअप करते हैं और उसके बाद करेगा भाई ये ऋतु को कॉल, वही टू ट्रिप वाला। अच्छा मेरा चेट हुआ है। नहीं मेरा, अच्छा इसका, हाँ इसका मेकअप करूंगा उसके बाद भाई, ये करेगा ऋतु को कॉल, ठीक है, उसके बाद बुलाएंगे ऋतु को। सो गाइस फाइनली भाई अब भी ना विपिन फोन करने जा रहा है ऋतु को, और भाई दिल जो है धक धक हो रहा है भाई। हम पता है इस बार क्या भड़क जाएगी ना, मार भी पड़ सकती है, प्रैंक भारी पड़ सकता है, पर देखते हैं स्टिल। तू चुप रही हो, मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए भाई करना पड़ता है, आप लोग की डिमांड रहती है।
प्रैंक करो प्रैंक करो भाई, बहुत मेहनत करवाते हो यार आप भाई, बहुत मेहनत। हेलो हेलो, कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ, आज कैसे एकदम से ना मैसेज ना कुछ सीधा कॉल? हाँ वो ऐसे ही कुछ काम था ना इसलिए कॉल करा था मैंने। हाँ बताओ क्या हुआ, सब ठीक? हाँ सब ठीक है, विनीत से बात हुई थी, कॉल कट गई। अगेन कर कॉल कट गए भाई, दोबारा से करता हूँ। हेलो हेलो, हाँ पता नहीं क्यों कॉल कट गई थी बेका अपने आप, मतलब नेटवर्क इशू हुआ इस वजह से कट गई। अच्छा मैं कहता विनीत से बात हुई थी? नहीं मेरी नहीं हुई, सुबह मैंने एक बार कॉल तो करा था उनको, मैं कर नहीं पाई दोबारा, फिर फोन उठाया नहीं मेरा, संडे ना घर पे सब लोग थे तो मुझे मौका नहीं मिला, फिर दोबारा क्या हुआ सर? ठीक हाँ ठीक है, एक छोटा सा इशू हो गया बस। क्या हुआ? वो राहुल को जानते हो? हाँ ठीक है, एक्चुअली ना ये है कि मतलब राहुल के घर आ रहे थे आज हम पार्टी वार्टी करने के लिए, तो मैं अभी पहुँच ही गया था राहुल के घर, वो पहुँचने वाला था 5-10 मिनट में मेरे बाद, तो ना किसी गाड़ी वाले ने उसको ठोकर वोकर मार दी तो उसके लग गई है, काफ़ी एक्सीडेंट हो गया है उसका। क्या? उसका ना थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह हो गया है। हेलो हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है? अरे मैडम एक्चुअली विनीत ने घर पे भी नहीं बताया, उसने बस मुझे बोला कि तो मैं मेरी कसम लोकेशन भेजो, जब तक मैं आंखों से नहीं देख लूंगी मुझे तसल्ली नहीं पड़ेगी, लोकेशन भेजो मुझे जल्दी से। अरे बट यार वही छोड़ो ना, मैं क्योंकि उसके घर पे भी कॉल करनी है भाई, फोन काट दिया भाई बंदी ने यार। भाई अब ये पता है अपना काम हो चुका है, ठीक है सीधा भाई सीधा वहां से आएगी, पता ही है अब इसको आधे पौने घंटे के आसपास लगेगा, ठीक है गाइस देख लो भाई, मैंने बोला था ना विपिन से मेकअप करवाएंगे तो विपिन मेकअप करवाने पास मेकअप तो कर रहा हूँ, मन तो कर रहा हूँ, सर दीवार भाई मार दूँ इसका सर दीवार में पूरे, सच में लग जाएगी गाइस देख लो क्या क्या करना पड़ता है सर आप लोगों की डिमांड में भाई। और भाई अभी पिट सकते हैं हम, 100% श्योरिटी है पिट सकते हैं हम। सो गाइस हमारा भाई एक्सीडेंट वाला बंदा हो चुका है तैयार, देख रहे हो इसको, ये देखो ठीक है, एक हमने इसके यहाँ पे थोड़ा सा खून टाइप का लगा दिया, एक सर में लगा दिया भाई, लग रहा है सर वाला भी बढ़िया, एक बार एक्टिंग करके दिखाइयो। बड़ा हरामी हो बेटा। तो अब भाई वेट करते हैं रितु का, ठीक है रितु आएगी तो अब सीधा तब भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट। गाइस बेल बज चुकी है, ठीक है मैं जा रहा हूँ खोलने के लिए, तीन चार हो गया भाई, डर लग रहा है भाई, डर लग रहा है। कैसा लगी चोट? विपिन ने बताया नहीं? बताया तो था पर तुम, ये चोट लगी कैसे? अरे ये पहले राहुल से मिलो आप। मिल लोगे मैं बाद में, पहले मुझे ये बता दो चोट कैसे लगी, ये कितना भाई तूने बताया नहीं? कितना ब्लड निकल रहा है? एक चौक है यहाँ पे, ठीक है ये लेफ्ट ले रहा था, अरे मेरी गलती नहीं थी यार, ये इसने बुलाया था, इसके ना कुछ फंक्शन पहले से हमारा पार्टी वार्टी करते तो हम यहाँ आए थे, मैं आ चुका था, ये आ रहा था 10-15 मिनट का गैप था, यहाँ पे एक चौक है ठीक है, वहां से ये लेफ्ट हुआ, सामने से गाड़ी वाला आ रहा था, उसने देखे मारे इसके, तो वहाँ पे इसे स्लिप हुआ है जो भी हुआ, मतलब वो तो भग गया, फिर उसने मुझे कॉल करा, तो 2 मिनट का रास्ता ही है बस, मैं यहाँ से गया तो वो चाहिए थे, ये लगे इसके थोड़ा बहुत। कितना ज्यादा ब्लड निकला, घर पे बताया तुमने? घर पे नहीं बताया, वो तो पता नहीं, घर बताऊंगा तो फिर और इशू होगा, इसलिए तो उसके पास आ गया ना विपिन ने, इसे इसके फोन आ रहा था और इशू हो जाएगा, एक्चुअली घर पे अभी ये बोल दिया है इसके कि आज नहीं रुकेगा ये, अचानक घर तुम पता घर जाऊंगा तो फिर मम्मी इशू करेंगी। अच्छा कहां कहां लगी पहले मुझे ये बताओ, थोड़ा पैर में लगी है बस, थोड़ा जिस और कहां लगी, घर पे बता दे, घर पे आपको सीन पता है क्या चल रहा है, होता है डांट पड़ती है, मैं बताने वाला नहीं था तुमको, विपिन ने जाके नहीं ऋतु को बता दे, अरे रो क्यों रही हो मैडम, अरे हो जाता है यार रोड पे चलोगे तो ये चीजें तो हो ही जाती है यार, ठीक है रोना थोड़ी है, ठीक है
कोई नहीं, अरे हो जाता है, अरे वो रोड में चलते किसी के साथ होता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। शुक्र मानो मेरे कुछ मेरे टूटा फूटा नहीं, एकदम मस्त एकदम करो। तो आप तो क्या देखो कितनी चोट लग रही है तुम्हें। अरे ये ठीक हो जाएगा, अरे ज्यादा चोट नहीं है, देखो मैं दिखा देता हूं, ये जो इसके लगे ना ज्यादा नहीं है, अभी दिखा रहा खोल के दिखा दे, तू एक काम कर। नहीं खोलो मत, अरे थोड़ा देख लो, ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत लगी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये यहां पे दर्द तो नहीं हो रहा तेरे? नहीं भाई दर्द नहीं हो रहा, ये थोड़ा सा ज्यादा। कितना ब्लड निकला है भगवान, देखो कितना है, देखो ये लगी है इसकी थोड़ी सी। ये ना पता है, ये सूख के ना ऐसा लग रहा है भाई, खून नहीं है तो मैंने नोक दिया देखने से। पैर में भी लगी है भाई, पैर में भी लगी है। ओ भाई तू क्या कर रहा है? गड़ी खोल दी यार इसलिए, ठीक है। ये इसका आइडिया था। कितनी बार बोला मेरे साथ प्रैंक मत किया करो, तुम्हें समझ में नहीं आती कोई बात यार? वो भी इतना गंदा प्रैंक यार, हमारे सब्सक्राइबर बोल रहे हैं तो करना तो पड़ेगा ना, देखो सीधी सी बात है। मैं बात उठा लूंगी, ये क्या बदतमीजी है, ये हर बार प्रैंक, हर बार प्रैंक। ज्यादा तो नहीं लगी भाई? So guys, कैसा लगा आप लोगों को प्रैंक, है ना? बताओ। इसकी शक्ल देखो भाई, शक्ल देखो, ये देखो, ये वीडियो है, ये कैमरा देखो, रुक जा, इधर आ जा, अबे नहीं रुक जा, शक्ल देखो, शक्ल शक्ल देखो। तुमने मुझे बताया मेरी मतलब यहाँ पे जान आ गई थी, यहाँ पे क्या बदतमीजी है ये? सॉरी। हो भाई पसीने देख रहे हो भाई, मतलब आवाज ना है, ये देखो पंखे उनके सब बंद। यार देखो सब्सक्राइबर, देखो सब्सक्राइबरों के लिए करना पड़ता है, देखो उनके कमेंट आए थे एक्सीडेंट प्रैंक करो ऋतिक ऊपर, ये देखो ये इसकी हरकत, ये वो होता है ना जो टीका लगाते हैं उसका रंग वंग बना के, तो ऋतु के साथ। देखो यार गाइस, आप लोगों को पता ही है, आप पहले से जानते हो, इसको एक पिज्जा खिलाना ये मान जाएगी और कुछ नहीं है। मोमोज के साथ अरे तो भाई ऋतु भड़क गई इस बार, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो को भाई करते हैं यहीं पे, क्योंकि इसको मनाना पड़ेगा भाई अभी। और हालत देखो गाइस, देखो क्या हो गई हालत, देखो इसको देखो ये। Thank you.